हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अपने कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने कामों की प्रगति को लेकर सभी अधिकारियों को कार्यों में गति बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने 2017-18 के 10 ऐसे कामों पर सवाल उठाए जिसमें काम शुरू नहीं हुआ। कई काम 2013-14 के भी अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य जो चल रहे हैं उसमें सभी कागजात अफसर साथ लाएं। इस दौरान संधु लंबीदार कॉम्बरमेर नाला शिमला में चल रहे काम पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति को तेज करने के आदेश जारी हुए। बैठक में अफसरों द्वारा बताया गया कि कई ठेकेदार की कुर्की हो गई है और उन्हें बदला जा रहा है। बैठक में खतरनाक पेड़ों को जल्द हटाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने अपना ब्यौरा रखा। बैठक में कृषि विभाग ने भी अपने कामों से अवगत करवाया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि को लेकर राष्ट्रीय स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो जिससे जिला शिमला के कृषकों को लाभ पहुंच सके। कश्यप ने कहा कि फसल बीमा का पूर्ण लाभ मिले इसकी योजना बननी चाहिए। दिशा की बैठक और लंबे समय के बाद क्योंकि कोविड के कारण हमारी ये बैठक नहीं हो पाई थी, आज हमने एक्चुअल माध्यम से इस बैठक को रखा जिसमें कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग और किस प्रकार से काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 58 ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और ऐसी स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और क्वार्टरली हम उनकी बैठ के करके उनकी प्रोग्रेस के बारे में फीडबैक लेते हैं और उसमें जहां पर जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उस प्रकार के दिशा निर्देश सभी विभागों को दिए जाते हैं। तो आज भी हमारी ये बैठक है जिसमें कि हमारे PWD डिपार्टमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा IPH है और अनेकों ऐसे विभाग, उनकी जो केंद्र प्रायोजित योजना है उनका हमने फीडबैक लिया। मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बावजूद भी अच्छी प्रोग्रेस हमारी है, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विशेष रूप से PWD विभाग, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लंबे समय से 2013-14 से लंबित पड़े हैं, उनकी हमने जानकारी भी मांगी है और उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा हम करें, ऐसे दिशा निर्देश PWD विभाग को दिए गए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन और हमारा जो जल शक्ति विभाग है अच्छा काम कर रहा है। 2024 तक लक्ष्य रखा गया कि हर घर में नल हो, नल में जल हो, हम उसमें उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी विभाग, जिसमें कि हम देखते हैं शिमला का जो हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, विशेष रूप से पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सर्दी के समय में बर्फबारी के कारण काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को कहा गया कि आप अभी से तैयारी करें ताकि सर्दी के समय में किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना आए। बाकी अन्य विभागों को भी हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारी जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से और क्वालिटी का ध्यान रखते हुए उनको हम पूर्ण करें। देखिए, हाँ, फसल बीमा को लेकर भी हमारे किसान भाइयों को अगर उनकी फसल का किसी प्रकार से नुकसान हो जाए तो उसका उनको फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले। इसके साथ साथ हमने कृषि विभाग से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करें कि वो फसलों का बीमा कराएं ताकि जब उनकी फसलों का नुकसान हो जाता है उस समय में उनको मुआवजा मिल सके। तो उस दृष्टि से भी हमने कृषि विभाग को ऐसे दिशा निर्देश दिए। देखिए, ऐसी कुछ समस्याएं हमारे ध्यान में आई हैं और हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जो भी ऐसे स्पोर्ट्स हों या ऐसे जो कि लाइफ डेंजर जिससे हो उसको चिन्हित करके और उसमें जो भी अवश्य कार्रवाई की जानी है और उनको हटाने का जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए लाइफ थ्रेटनिंग जितने भी ऐसे ट्रीज हैं उनको हटाया जाए।